महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो सुना बेस होता है वो कल होगा, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के बाद जो गुंडीचा यात्रा होता है, उसके बाद जब रथ आके भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर के पास लगता है तो उसके बाद सुना बेस होता है, जिसको देखने के लिए लाखों लोग देश विदेश से आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का सुने का अलंकार में आभूषण होता है और उसका एक झलक देखने के लिए सारा विश्व से भक्त आ जाते हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, जो उसमें सब सोने का अलंकार को बनाया है। और इसके साथ जो इस साल का सबसे एक महत्व यात्रा के टाइम है कि भगवान जगन्नाथ जी का जो 46 ईयर से रत्न भंडार जो था वो बंद होके था, जिसी को लेकर हमने भी आज कमेटी जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर के हिसाब से भी हमने भी इसके ऊपर लिखा था हमारा मैनेजिंग कमेटी को कि रत्न भंडार को खुलना चाहिए और रिपेयरिंग होना चाहिए। 2018 का रिपोर्ट्स में रत्न भंडार सुरक्षित नहीं था करके ये लिखा हुआ था, तो इसलिए इतने साल के बाद मैं धन्यवाद दूंगा कि उड़ीसा सरकार को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने बोला था कि हमारा सरकार आने के बाद जरूर रत्न भंडार खुलेगा, रत्न भंडार अभी खुल गया है। अभी जो है 18 को जितने सारे अलंकार है उसको और एक टेम्पररी भंडार घर में लिया जाएगा और उसके बाद रत्न भंडार का रिपेयरिंग होगा, जो ASI उसको रिपेयर करेगा, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि रत्न भंडार का रिपेयरिंग, जिसी को लेकर सबका तरफ से एक ही बात था कि रत्न भंडार का रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि रत्न भंडार में 2018 रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत सारे जगह में सिपेज है, पानी गिर रहा है और कुछ पत्थर नीचे पड़ा हुआ है, ये सब रिपोर्ट्स में था। तो इसीलिए हमने ऑनरेबल CM मोहन चरण माझी सर को लिखा था कि जल्दी से जल्दी बारिश ज़्यादा होने से पहले रत्न भंडार का रिपेयर होना चाहिए, बट सरकार ने बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया और इंटर रत्न भंडार जो है वो ओपन हो गया है। और 18th को आज जो मैसेज मिला है कि 18th को जितने सारे भगवान के अलंकार है उसको अलग एक जगह पे लिया जाएगा वही मंदिर के अंदर, और उसके बाद रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ उड़ीसा सरकार को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जो उनने भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए जो रत्न भंडार को खोले हैं। मैं इसलिए मेरा कला के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने ये डिसीजन लिया और रत्न भंडार खोला।